नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मिस्टर सिंह ब्लॉग में। दोस्तों मैं गुरजीत सिंह आपका होस्ट दोस्त। आज हम बात करेंगे कि जो ट्रक ट्रेलर होता है, ये देखिए मेरे पीछे ट्रेलर है 40 फीट का, इसको कैसे रिवर्स किया जाता है, किस तरीके से ट्रक ट्रेलर को रिवर्स करते हैं। मेरे पास ये वॉल्वो गाड़ी है, ये देख सकते हैं आप, और ये 95 मॉडल है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये दोनों एयर प्रेशर हैं और ये इसमें रेडिएटर का है। जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो इस मीटर से पता लगता है। और ये इसमें डीजल का है, ये आरपीएम है, कितने आरपीएम गाड़ी कितनी स्पीड में कैसे बना रही है, इसे देखकर। मान लीजिए आप लोड में गाड़ी चला रहे हो तो आप इसे देखकर भी गियर शिफ्ट कर सकते हो। जो सही तरीका गियर शिफ्ट करने का होता है वो इसे देखकर ही सही होता है। ये इसका है स्पीडोमीटर। और दोस्तों ये है इसका बैटरी का, इसमें 24 वोल्ट बनते हैं क्योंकि इसमें 12-12 वोल्ट की दो बैटरी लगती है। और ये है इसका ऑयल प्रेशर, इंजन ऑयल प्रेशर जो होता है। ये मेन इसके मीटर मैंने बता दिए हैं। सबसे पहले हमको एयर प्रेशर चेक करना होता है। ये रेड जो निशान है इसके ऊपर ही होना चाहिए, यानी कि आपकी हवा पूरी भर चुकी है। अब आप अगर इधर से ब्रेक हटाएंगे, ये ब्रेक हटाएंगे तो आपकी गाड़ी ब्रेक छोड़ देगी। और दूसरी बात क्या होती है, गियर, आपको गियर नज़र आ रहे होंगे तो ये लिखा है रिवर्स 1, 2, 3, फिर दोबारे से 1 वाले पे 4, 5, 6। ये दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका जो पहला गियर होता है वो ये पहला गियर है, उसके बाद बिल्कुल इसके पीछे दूसरा गियर है, फिर ये न्यूट्रल करके इधर ये तीसरा गियर है। ये तीन गियर डल के इसको बोलते हैं लो, फिर उसके बाद न्यूट्रल। और आपको एक ये लाल बटन दिख रहा होगा, इस लाल बटन को जब हम ऐसे ऊपर कर देंगे तो अगर फिर हम इसको चौथे गियर की जगह डालेंगे, ये पहले गियर की जगह डालेंगे तो ये चौथा गियर लगेगा, फिर जब दूसरे गियर की जगह हम डालेंगे तो पांचवा गियर लगेगा, और जब फिर से तीसरे गियर की तरह डालेंगे तो ये छठा गियर लग जाएगा। इस तरीके से मैं हाई लो इस तरीके से गियर डालते हैं दोस्तों। उसके बाद ये फोक्सा होता है, ये फोक्सा किस लिए होता है, मान लीजिए चौथे गियर में चल रहे हैं, और आपकी गाड़ी का मोशन ये कह रहा है कि गियर डालो, यानी कि चौथे के बाद पाँचवा डालो, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर मैं पांचवा गियर डालूंगा तो गाड़ी दब जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि चौथे के बाद आप इस क्लच दबा, इस बटन को दबाएंगे, क्लच दबाएंगे, और जैसे ही आप क्लच छोड़ेंगे तो आपकी जो गाड़ी होगी वो 4.5 गियर में डल जाएगी, यानी ना वो 5 में होगी ना वो 4 में होगी, वो 4.5 गियर में डल जाएगी। और उसके बाद गाड़ी जैसी पिकअप लेगी फिर वो गाड़ी का मोशन बोलेगा कि आप गियर शिफ्ट करो, तो आपने इसको ऐसे करा के पांचवा गियर डाल देना है, तो आपका 4.5 गियर से पांचवा गियर डल जाएगा। ये इसका प्रोसेस होता है, यानी ये आधा गियर के लिए होता है। आपको मेरी बात समझ आ गई है? अगर नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको दोबारे से बता दूंगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे गाड़ी को रिवर्स कैसे करते हैं। अब हमने करना क्या है, ब्रेक छोड़नी है, क्लच के साथ हमने रिवर्स गियर डालना है। ये रिवर्स गियर डल चुका है। अब आप शीशे पे देखना है, दोनों तरफ शीशा, शायद आपको दूसरे शीशे में भी नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा ट्रेलर बिल्कुल सीधा है और इधर भी बिल्कुल सीधा है। अब हमने सीधा पैक करना है। अब हम धीरे धीरे पीछे जाएंगे, ये देखिए स्टीयरिंग मेरा एक ही जगह है और हम धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। अब आपने दोनों शीशे में देखना है कि ट्रेलर जिस तरफ निकलेगा सीधा बैक करने के लिए। सिर्फ मान लीजिए आपका ट्रेलर ये देखिए, आपका ट्रेलर ड्राइवर साइड में निकल गया है और वो देखिए कंडक्टर साइड से अंदर घुस गया, तो आपने क्या करना है, जिस तरफ ट्रेलर बाहर निकलता है उसी तरफ आपने स्टीयरिंग काट देना है। तो उससे होगा क्या, ये देखिए आपका ट्रेलर अपने आप धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। ये देखिए ट्रेलर सीधा हो गया है और आप उधर भी देखिए ट्रेलर फिर से सीधा हो गया है शीशे में।
तो दोस्तों ये तो था इसका तरीका सीधा रिवर्स बैक करने का। ट्रेलर इधर से बाहर निकलेगा तो आपने इधर कट करना है, अगर ट्रेलर उधर से बाहर निकलेगा तो आपने इधर को कट कर देना है, यानी जिधर से ट्रेलर निकले उधर की तरफ स्टीयरिंग घुमा देना है, आपका ट्रेलर सीधा होगा। और ज़्यादा भी नहीं घुमाना है, थोड़ा घुमाना है। जैसे ही आपका ट्रेलर सीधा हो जाए फिर स्टीयरिंग आपने सीधा कर लेना है। दोस्तों ये तो है सीधा बैक करने का तरीका। अभी मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप रिवर्स कर सकते हो। दोस्तों अब आपने ड्राइवर साइड में ट्रेलर बैक करना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। अब हमेशा ये होता है कि जिस तरफ आपको ट्रेलर निकालना है बाहर उसके उल्टी तरफ आपको स्टीयरिंग घुमाना होगा। आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्टीयरिंग काट लेना है किस तरफ, उल्टी साइड में जिस तरफ आपने रिवर्स करना है, और बैक गियर डालना होगा। ये बैक गियर लगा है, स्टीयरिंग आपने इधर काट दिया है। अब देखिए ट्रेलर किस तरफ जाएगा, आप देखते रहिए। ये देखिए ट्रेलर अपने आप ही ये आप समझ गए, आप देख रहे हैं। और आपको कंडक्टर साइड से भी दिखा देता हूँ, ट्रेलर पूरा घूम गया है, उसका कोना नज़र आ रहा है। मैं आपको दरवाज़ा खोल के भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ट्रेलर कितना टेढ़ा है। अब आपने अपने हिसाब से ट्रेलर को बैक लेके जाते रहना है। अब देखिए ट्रेलर शीशे में ऐसा दिख रहा है, अपने हिसाब से आपको लेके जाते रहना है। देख रहे हैं आप कितना घूम गया है, ये देखिए पीछे कितना घूम गया है। तो यही तरीका है, अभी मैं आपको दूसरी तरफ घुमा के दिखाता हूँ। ये अब हमारा ट्रेलर बिल्कुल सीधा है, ये देखिए, और इस शीशे में भी देखिए। अब हमने ट्रेलर दूसरी तरफ यानी कंडक्टर साइड में घुमाना है, उसके लिए सेम उल्टा। अगर हमें इस तरफ ट्रेलर घुमाना है बैक साइड से, यानी इस शीशे में हमको ट्रेलर घूमता हुआ दिखेगा, तो हमने उसके उल्टी तरफ स्टीयरिंग घुमाना है। थोड़ा सा स्टीयरिंग घुमा लेना है, उल्टी तरफ स्टीयरिंग घुमा के इसको रिवर्स करेंगे तो ये देखिए, ये देखिए ट्रेलर आपका घूम गया है और उधर से बाहर निकल रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ट्रेलर बाहर निकल गया है। अब आपको जितना घुमाना है आप स्टीयरिंग को पकड़ के रखें, उसके बाद जब आपने देखा कि आपका ट्रेलर बिल्कुल सही जगह जा रहा है तो स्टीयरिंग धीरे धीरे सीधा करना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों ये मैंने आपको तरीका बताया है रिवर्स करने का। रिवर्स करते हमारी दोनों आँखें दोनों शीशे पर होनी चाहिए, जो दोनों तरफ शीशे हैं, और जो ट्रेलर के टायर हैं, जो ट्रेलर के टायर हमें शीशे में दिख रहे हैं, बस उस टायर के जजमेंट से ही हमको रिवर्स करनी है। सीधा किस तरीके से रिवर्स करना है वो भी मैंने आज आपको बताया, और अगर आपको थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट ट्रेलर घुमा के बैक करना है ये भी मैंने आपको बताया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मेरे से पूछें। और दूसरी बात, आपको अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए, क्या आप एल शेप में ट्रेलर रिवर्स करना सीखना चाहते हैं, अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब।